जी क्या नाम है आपका? ऊपर गिर गया। मेरा नाम सर्विंदर कुमार। जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ है? हमारी गाड़ी जॉनी कोटवार के लिए जा रही थी, और ये बीनवा पब्लिक स्कूल के सामने गढ़ मुक्ति से गाड़ी ने मार दी सामने से। आमने सामने की टक्कर हुई? जी आमने सामने। क्या कारण आग लगी है? क्या कारण लगा? वो पास मार रहा था किसी वाहन को, वो पेपर था ना वहाँ पर, गाड़ी वाड़ी खड़ी थी वहाँ पास मार रहा था। मेरी गाड़ी में तो 17 यात्री थे, एक स्टाफ था जी, वो घायल से भी। अच्छा, किसी बस में आग भी लगी है वहाँ पर? मेरी गाड़ी में लगी, कोटवाड़ी की गाड़ी में लगी। कोई मतलब के किसी का आता तो मतलब हताश है। भिड़ंत हुई है, किस कारण और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा है। सवेरे करीब 8:15 कोटद्वार डिपो की एक बस और गढ़मुक्तेश्वर डिपो की एक बस, ये आमने सामने इनमें टक्कर हुई है और इसमें एक बस में आग लगी है, तो तुरंत इसमें रेस्क्यू टीम पहुंची है और आग तुरंत बुझा भी दी गई। इसमें 9 लोग सामान्य रूप से झुलसे हैं, जिनको 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में और 7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचाए गए हैं। पुलिस की टीम, कप्तान साहब और हम सब लोग यहां पर मौजूद हैं। हमारी एम्बुलेंसेस तुरंत पहुंच गई थी। ये जो एक्सीडेंट है, मोटे तौर पर लगता है कि आमने सामने कोहरे की वजह से हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा घना कोहरा है और बसें हटा दी गई हैं, ट्रैफिक नॉर्मल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ कोई सीट हेड का बच्चा था इन बसों के अंदर? देखिए, एग्जाम एक चल रहा है, सेंटर है यहाँ पड़ोस में, लेकिन उन बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ध्यान से कोई मतलब।